हेलो पार्टनर्स, आज हम सीखने जा रहे हैं VLCC पपाया क्लीन अप। इसके लिए सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन सेटअप रेडी करेंगे। इसके बाद हमें कस्टमर से कंसल्टेशन करना होता है, जिसमें हम कस्टमर से पूछेंगे कि उन्होंने लास्ट टाइम क्लीन अप कब करवाया था, क्या उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है जैसे स्किन पील या लेज़र। इसके बाद हम उन्हें अपना प्रोसीजर एक्सप्लेन करके अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। इसके बाद हम कस्टमर को कंफर्टेबली लेटा के उनका क्लाइंट ड्रेपिंग करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है मेकअप रिमूवल। सबसे पहले अगर कस्टमर ने मेकअप किया है तो आप उनका मेकअप रिमूव कर दीजिए। यूसी क्लेंजर लेके आप कस्टमर के पूरे फेस, नेक और डिकोलेट एरिया पे अच्छे से अप्लाई करके सर्कुलर मोशंस में 3 मिनट्स तक उनके फेस, नेक और डिकोलेट एरिया पे क्लेंजिंग करिए। क्लेंजिंग आपकी सर्कुलर मोशंस में होनी चाहिए और क्लेंजिंग में आप सारे एरिया को कवर कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके बाद आप 2 वेट कॉटन लेके अच्छे से क्लेंजर को साफ कर दीजिए। पार्टनर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पपाया स्क्रब और वाटर का मिक्सिंग रेशियो कितना होना चाहिए। नेक्स्ट, आप पपाया स्क्रब को लेके उसका एक थिक पेस्ट बनाइए और ब्रश की हेल्प से कस्टमर के फेस और नेक को कवर करते हुए स्क्रब को अप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखें आंखों के पास स्क्रब को ना लगाएं। सारे फेस पर इवनली स्क्रब अप्लाई होने के बाद आपको अपने फिंगर टिप्स पर हल्का सा वाटर लेके स्क्रब को पूरे फेस पे अप्लाई करना है और इमल्सिफाई करते हुए आपको 5 मिनट्स तक स्क्रबिंग करना है। आपका स्क्रबिंग का प्रोसेस बहुत हार्श नहीं होना चाहिए। आंखों से अपने हैंड्स को प्लीज दूर रखें और नेक और फेस का एरिया कवर करते हुए आप अच्छे से स्क्रबिंग करें। इसके बाद आप वेट नैपकिन लेके सारे स्क्रब को कस्टमर के फेस पे से क्लीन कर दीजिए। अगर स्क्रब के कुछ ग्रैन्यूल्स रह जाएं तो आप एक टिश्यू लेके उन्हें फेस पे से डस्ट ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद आप कस्टमर को बैठा के उन्हें 3 मिनट्स तक प्रॉपरली स्टीम दीजिए। नेक्स्ट स्टेप आपका है ब्लैकहेड रिमूवल। आप ब्लैकहेड टूल को सैनिटाइज करके उनके नोज को स्ट्रेच करते हुए ठीक से ब्लैकहेड्स को रिमूव कीजिए। अगर आपके कस्टमर को पेन हो रहा है तो आप अपने फिंगर्स पर टिश्यू रैप करके भी ब्लैकहेड्स को रिमूव कर सकते हैं। ब्लैकहेड रिमूवल का प्रोसेस होने के बाद आपको कस्टमर के फेस पे एस्ट्रिजेंट से टोनिंग करना है। पार्टनर्स, इसके बाद हम एक रिलैक्सिंग 15 मिनट्स का मसाज स्टार्ट करेंगे। मसाज शुरू करने के पहले कस्टमर को मसाज का टाइम ज़रूर इन्फॉर्म करें। सबसे पहले आप 5 मिनट्स तक कुकुम्बर जेल से कस्टमर की स्किन पर मसाज करेंगे। सो जेल को आप पूरे फेस, नेक और डिकोलेट एरिया पे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए और इसके बाद स्लो मोशन करते हुए आपको जेल को अच्छे से मसाज करना है। 5 मिनट्स का जेल मसाज कंप्लीट होने के बाद आप 10 मिनट्स तक क्रीम से फेस पे मसाज करेंगे। सो आप क्रीम को इवनली पूरे फेस पे स्प्रेड कर दीजिए, जिसमें उनका डिकोलेट एरिया, नेक और फेस कवर होगा। और इसके बाद आप एकदम स्लो हैंड से कस्टमर को मसाज करिए। मसाज का प्रेशर ठीक है या नहीं कस्टमर से ज़रूर कंफर्म करें और एकदम रिलैक्सिंग मसाज आप कस्टमर को दे सकते हैं। मसाज के स्ट्रोक्स आपके हमेशा अपलिफ्टिंग मोशन में होने चाहिए और आपका कस्टमर रिलैक्स फील करना चाहिए। ट्वेंटी 5 मिनट्स मसाज कंप्लीट होने के बाद हम पैक एप्लीकेशन करेंगे। पैक का एक स्मूथ पेस्ट बनाकर आप ब्रश की हेल्प से डिकोलेट एरिया, नेक और फेस पे इवन पैक एप्लीकेशन करिए। आपका पैक बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए और आप एक इवन लेयर बनाते हुए सारे एरिया को कवर करके अच्छे से पैक को अप्लाई करें। इवनली पैक एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद कॉटन पैड में रोज़ वाटर लेके आइस पे रख दीजिए।
इसके बाद आप जब तक पैक सूख रहा है कस्टमर को एक 10 मिनट्स का रिलैक्सिंग हैंड मसाज दीजिए। आपको पूरा हैंड कवर करना है। ये आपके कस्टमर के लिए एक बहुत ही रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होगा। इसके लिए आप किसी भी मसाज क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। टेन मिनट्स बाद आप वेट फिंगर्स से पैक को इमल्सिफाई कर दीजिए, जिससे वो स्किन पे से लूज़ हो जाएगा। इसके बाद आप वेट नैपकिन की हेल्प से पैक को स्किन पर से अच्छे से क्लीन कर दीजिए। पैक क्लीन होने के बाद हम कस्टमर को टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग करके देते हैं। वेट कॉटन पे रोज़ वाटर लेके आप डैबिंग प्रोसेस में कस्टमर के स्किन पर टोनिंग करिए और मॉइस्चराइजर अप्लाई करिए। इसके बाद हम कस्टमर को एक रिलैक्सिंग 10 मिनट्स का बैक मसाज देंगे, जिसके लिए आप कोई भी मसाज क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। तो आप कस्टमर के शोल्डर से स्टार्ट करते हुए क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करिए और पूरे बैक पे एक रिलैक्सिंग मसाज दीजिए। स्पाइन के साइड में, हैंड्स के साइड में आप बैक को पूरा कवर करके अच्छे से मसाज के स्टेप्स कर सकते हैं। सो बैक मसाज के साथ ही आपका क्लीन अप फिनिश होता है। आइए पार्टनर्स जानते हैं इसके बाद कस्टमर के कुछ कॉमन कंप्लेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहला इम्प्रॉपर स्टीम, सेकंड है ब्लैक हेड्स का ठीक से रिमूव ना होना, और थर्ड कंप्लेंट होता है कस्टमर का जनरली कि उन्हें मसाज बहुत कम लगा या मसाज बिल्कुल भी रिलैक्सिंग नहीं था। सो इन कंप्लेंट्स का आपको बहुत ही ध्यान रखना होता है जब भी आप कस्टमर को फेशियल या क्लीनअप का सर्विस देते हैं। तो देखते हैं इसके सॉल्यूशंस। सबसे पहले उन्हें अच्छे से स्टीम दीजिए, ब्लैक हेड्स को ठीक से रिमूव करिए और प्रॉपर टाइमिंग के साथ एक रिलैक्सिंग मसाज करिए। थैंक यू पार्टनर्स इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।